फरीदाबाद से बात करते हैं एक बड़ी और अहम खबर की। कोरोना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, इलाज करने वाले स्टाफ को भी आइसोलेशन में रख दिया गया। ये बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें, कोरोना पीड़ित महिला का इलाज किया जा रहा था और जो इलाज स्टाफ कर रहा था उसे भी आइसोलेशन में रखा गया है। चार नर्सों समेत 12 लोगों को अब आइसोलेशन में रखा गया है। ये स्टाफ आपको बता दें कि इलाज कोरोना ग्रस्त महिला का कर रहा था। पीड़ित महिला 78 लोगों से मिली थी और 64 लोगों पर स्वास्थ्य विभाग ने नजर बनाई हुई है। बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें, फरीदाबाद में कोरोना को लेकर ये बड़ी खबर, किस प्रकार कोरोना एक महामारी जो कि लोगों में फैल रहा है और कितना भयानक हो सकता है, प्रशासन को उसका अंदाजा है, इसीलिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। तो कोरोना को लेकर पल पल की खबर हम आपको दे रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर जाकर बता रहे हैं प्रशासन की कैसी तैयारियां हैं। फरीदाबाद से दीपक गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी के साथ पंचकुला से तारा भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगे और जानना चाहूंगे आपसे, अभी जिस अस्पताल में उस महिला का इलाज चल रहा था जहां के स्टाफ को अब आइसोलेट कर दिया गया है, क्या कुछ माहौल वहां पर देखा जा सकता है और कितने ज्यादा दोगुने कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, फरीदाबाद के जिस हॉस्पिटल में महिला का इलाज चल रहा था, जो फरीदाबाद की पहली कोरोना पीड़ित पाई गई है, उसको इलाज करने वाले 12 लोग थे जिसमें नर्सिंग स्टाफ से लेकर डॉक्टर तक शामिल थे। चार नर्सों को हॉस्पिटल में ही आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, बाकी लोगों को उनके घर पर रहने के लिए कह दिया गया है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार उन पर नजर बनाए हुए है। अस्पताल का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। और आपको बताया कि 68 लोगों से महिला मिली थी, इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो स्पेन से ये महिला लौटी थी। इसके बाद इनको अंदाजा इस बात का था कि किसी भी तरह से ऐसा ना हो, चूंकि ये बाहर से आए हैं तो इन्हें दिक्कत हो, तो 2 दिन के लिए फरीदाबाद का रेडिसन होटल है वहां ये रुकी है और उसके बाद देहरादून कोई फार्म हाउस है इनका, तो देहरादून ये चली गई थी और उसके बाद वहां जब इनकी तबीयत खराब हुई तब फरीदाबाद ये वापस आई और मेट्रो हॉस्पिटल में इन्हें एडमिट कराया गया। इस दौरान लगभग 68 लोगों से इनकी मुलाकात हुई है, जिनमें से 64 की पहचान स्वास्थ्य विभाग कर चुका है और इन्हें पूरी तरह से इनके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। पूरी तरह कोशिश इस बात की चल रही है कि इन लोगों पे किसी तरह से कोरोना के लक्षण तो नहीं पाए गए हैं। वहीं 12 लोगों का स्टाफ, बड़ी खबर यह है कि 12 लोगों का स्टाफ जो पूरी तरह से जांच में लगा हुआ था, जो इस महिला की तीमारदारी में लगा हुआ था, उन लोगों को पूरी तरह से आइसोलेशन में रख दिया गया है।